दिन जब धरती खून से लाल हो गई, वो दिन जब हजारों लोग बेघर हो गए, वो दिन जब हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए, वो शहर जिसकी गली गली में अर्धनग्न कटे हुए शव मिले थे, वो शहर जहाँ खून की धाराएं बहती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो काला दिन जब महिलाओं की नग्न लाशों को हुक से लटका दिया गया था, जिन्हें कसाईयों ने लटकाया था मानो जैसे जानवर को लटकाया जाता है, वो काला दिन जब महिलाओं के शरीर से स्तन गायब कर दिए गए थे। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। ये बड़े ही दुख का विषय है कि आज की पीढ़ी के अधिकांश हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन डे पर हुई हिंसा के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। आज द नगरी आपको बताएगी डायरेक्ट एक्शन डे की जमीनी हकीकत। 16 अगस्त 1946, आजादी से ठीक एक बरस पहले, ये वो तारीख है जब कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों ने बंगाल की धरती को लाल कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसके लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करनी पड़ी, जिसके बाद पूर्वी बंगाल में दंगों की आग भड़क उठी। 16 अगस्त 1946, कोलकाता शहर की एक सामान्य सुबह लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, बाजारों में चहल पहल थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में लोगों की जिंदगी तबाह होने वाली है। 16 अगस्त 1946 को जो कुछ भी हुआ, इससे इतिहास के पन्ने सुर्ख हो गए, मानो शमशान बन गया था कोलकाता। इस दिन मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं पर जमकर जुल्म ढाए थे। दंगों की शुरुआत बंगाल के नोहाखाली जिले से हुई थी और ये दंगे 72 घंटों तक चले थे। अब आप सोचिए कि 72 घंटों में क्या से क्या हो गया होगा, जब लगातार लाठी डंडे चल रहे हो, गोलियां बरस रही हो, बेखौफ होकर महिलाओं और लड़कियों के साथ सरेआम बलात्कार किया जा रहा हो और शवों को छात्रावास की खिड़कियों से बांध दिया गया हो। इस कत्लेआम की शुरुआत मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा से हुई थी। ये सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग का अभियान था, जो पाकिस्तान को देश के रूप में भारत से अलग करने के लिए चलाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के पक्ष में इस दिन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान को कानूनी तरीके से नहीं तो हिंसक माध्यम से प्राप्त करने के लिए था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि या तो हमारा भारत विभाजित भारत होगा या नष्ट भारत होगा। जिन्ना ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद मुसलमानों के लिए अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि हिंदू बाहुल्य राज्यों में उनकी सुनवाई नहीं होगी। इनमें वह राज्य शामिल थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे। इनमें बंगाल प्रमुख रूप से शामिल था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे, अलग राज्य की जरूरत नहीं है। समय के साथ जिन्ना की ये मांग जिद में बदल गई। 1946 आते आते उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। अब आप सोचिए कि हम हमारे देश के दो टुकड़े कैसे होने दे सकते हैं, भारत दो टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं। बंटवारे और हिंसा का मोड़ उस वक्त आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई में 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी, हालांकि उसने कैबिनेट मिशन योजना में सुधार करने का अधिकार अपने पास ही रखा। इस बात से जिन्ना बहुत अधिक क्रोध में आ गए। उन्होंने भारत के विभाजन और मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने जिन्ना के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और महात्मा गांधी के विरोध के चलते जिन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। गुस्से में लाल होकर अंत में जिन्ना ने फैसला लिया कि 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे होगा। जिन्ना ने इसके बाद बम्बई में जुलाई में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग अपने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की तैयारी कर रहा है। 16 अगस्त की तारीख उसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे होगी। 16 अगस्त को हुई हिंसा में 6,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 1,00,000 निवासी बेघर हो गए थे। और महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस हिंसा का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि उस वक्त का CM भी एक जिहादी था, जिसका नाम हुसैन सोहरावर्दी है, जो उस समय पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचता है और पुलिस वालों को दंगों पर कार्रवाई करने से रोक देता है।
इस तारीख की बर्बरतापूर्ण घटना के सभी राज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह वो दिन था जिसे कोई भी हिंदुस्तानी कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। इसे इतिहास में द ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे इतना भयावह था कि इसे याद कर आज भी लोग मानो कांप जाते हैं। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी अब बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन उनमें से एक रविंद्रनाथ दत्ता जी उस दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक दिन और उसके पश्चात 1946 में उसके बाद हुए समान रूप से भयावह नोआखली दंगों में जैसे तैसे अपने प्राण बचा पाए थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के उन लोगों को इस डायरेक्ट एक्शन डे का काला सच बताया था जिसे इसकी भनक भी नहीं थी। नमस्कार।